तो दोस्तों आप सबका स्वागत है ठेस क्लासेस में। तो दोस्तों आप सभी को पता ही है कि इस चैनल पे मैं आपके लिए नई नई जो अपनी टेक्निकल नॉलेज होता है उसकी वीडियो डालते रहता हूँ। तो दोस्तों आज हम जानेंगे 100 किलो ट्रांसफार्मर का प्रिपेयर कैसा करते हैं। तो दोस्तों देखिए, तो यह अभी जो GTR है उसको ओपन किया जा रहा है दोस्तों। बहुत अच्छा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे इस वीडियो में से ST बुशिंग बोलते हैं, जैसे कि भैया हाथ दिखा के दिखा रहे हैं, ठीक है। ये तीनों ST बुशिंग होती है, इसमें 11 की भी सप्लाई दी जाती है, ठीक है दोस्तों। हाई टेंशन जिसको बोलते हैं, तथा यह कंजर्वेटर टैंक होता है, आप सभी को पता ही होना चाहिए। जो अपने ITI स्टूडेंट हैं उन सभी ने पढ़ के रखा होगा। तथा दोस्तों इसके इस बार देखो, ये न्यूट्रल है, ये R है, ये Y है, ये B है, इसको LT सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। ये अपने रेडिएटर्स होते हैं दोस्तों, जो इनमें आयल मतलब आयल रहता है इसमें, ठीक है। रेडिएटर कूलिंग करता है, ठीक है, रेडिएटर होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन लोगों ने इसके जितने भी अपने नट बोल्ट होते हैं वो खोल चुके हैं, अभी इसे उठाएंगे ऊपर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे हैं तो इसमें आयल भरा हुआ है, देखिए देख पा रहे। तो दोस्तों इसका देखिए आयल बहुत ही डैमेज हो चुका है, मतलब कि आयल पूरा ख़राब हो चुका है, ठीक है, मतलब कि आयल भी पूरा जल चुका है। तो दोस्तों इसको भी हम जिसका जो जॉब है उसे ऊपर उठाएंगे, देखेंगे अंदर में क्या क्या दिक्कतें हैं, कॉइल जली है या नहीं जली है, या फिर इसको हम टेस्ट भी करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसमें से अभी पाइप के द्वारा आयल निकाला जाएगा, क्योंकि इसे रिपेयर करना है हमें। तो इसको पहले हल्का खाली कर दिया जाता है आधा करीब, ताकि हमें जॉब को उठाने में सहायता हो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें आयल को निकालने के लिए हमने पाइप डाला है। ये आयल देखिए हम निकाल रहे हैं इसमें से, ठीक है। यह दोस्तों डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, जो हमारे घरों के आजू बाजू तथा मोहल्लों में लगा हुआ होता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं जैसे कि इसमें पेपर लगे हुए हैं, ये इंसुलेशन के लगे हुए होते हैं, जैसे कि ये देख पा रहे हैं आप, सर निकाल रहे हैं इसमें से इंसुलेशन पेपर इंडक्शन रूप पे, ठीक है। और इसमें देखिए दोस्तों, पैकिंग के लिए इसको कॉक्सिड बोलते हैं, मतलब ये जी ये जैसे ऑयल होता है, इससे क्या होता है मतलब बाहर नहीं गिरता, एकदम सील पैक रहता है, ठीक है। और आप देख पा रहे हो कि अभी अंदर में ऑयल कम हो रहा है इसमें, तो धीरे धीरे आपको एक कनेक्शन दिख जाएंगे। तो LT साइड में दोस्तों इसमें स्टार कनेक्शन होता है, तथा HV साइड में डेल्टा कनेक्शन होता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए हमारी टीम है, जिसमें ये तीनों भैया लोग हैं, ये इसको आज रिपेयर करेंगे, तथा आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, कौन सी वाइंडिंग्स जली हुई है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं भैया लोगों ने क्या है, इसके LT जो रॉड होती है उससे अपने जो वाइंडिंग्स कनेक्शन होते हैं उसको खोल चुके हैं, देख पा रहे हैं। HV जो कॉइल होती है, रॉड जो होती है उसको भी यह खोल रहे हैं, ठीक है। और बूसिंग भी है दोस्तों, जो बूस होता है उसको यह खोल रहे हैं अभी। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि जो ट्रांसफार्मर होता है ये फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तथा इसमें प्राइमरी वाइंडिंग तथा सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। दोस्तों देखिए, इन्होंने ये HV की जो रॉड होती है इसको बाहर निकाल लिया, मतलब कि बुशिंग में से निकाल चुके, जैसे कि आप ये देख पा रहे, ठीक है। तो इसमें भी इसको जॉब को हम चैन पुल्ली के द्वारा ऊपर में उठवाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं जैसे कि जॉब को ऊपर निकाला जा रहा है ना, तो ये 5 टन का अपना चैन ब्लॉक है, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, अपना जो जॉब है धीरे धीरे ऊपर में आ रहा है। तो दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हैं आप, अपना जो चैन ब्लॉक से ऊपर खींच रहे हैं हम अपने जॉब को, इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक धीरे धीरे ऊपर में उठाना होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें फोर अपना वाइंडिंग्स होती है, ठीक है। तो अभी देखेंगे जो वाइंडिंग्स होती है इसमें, अपन कैसी होती वाइंडिंग्स के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों फाइनली हमारा जॉब ऊपर आ चुका है, तो आपको हम वाइंडिंग दिखाएंगे इसमें, देखिए। तो देख रहे हैं आप, तो दोस्तों इसमें कुछ वाइंडिंग्स डैमेज भी हो चुकी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों अपना बीच वाला जो फेस है जिसका वाइंडिंग पूरा तरह से डैमेज हो चुका है, जो हाई टेंशन वाइंडिंग है, देख पा रहे हैं आप, ऐसा मतलब दोस्तों इसमें फॉल्ट हुआ है, मतलब कि अंदर में यह ब्लास्ट हुआ है दोस्तों इसके अंदर में, इसलिए जो अपने HV
मतलब हाई टेंशन जो कॉइल है वो क्या हो चुकी है, पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, इसको अभी हम खोलेंगे पूरा, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों इसके अंदर में अपनी LT कॉइल्स वाइंडिंग लगी हुई होती है, जैसे कि इसका आप देख पा रहे हैं ये पूरा तरह से इंसुलेशन निकल चुका है, मतलब कि इंसुलेशन ब्रेक हो चुका है। इसका मतलब कि ये वाइंडिंग जो है पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं जो LT के अपने कनेक्शन है, जिसमें क्या होता है कि तीन फेस होते हैं, एक न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल मतलब कि उसको कॉमन करके निकाला जाता है। तो दोस्तों देखिए ये अपना न्यूट्रल है, ये RYB ये तीन फेस हो गए, तो तीन फेस ये अपने ये हो गए, तो इन तीनों का कॉमन बना के एक न्यूट्रल पॉइंट निकाला जाता है, जो कि इसके अंदर में ये अपनी LT कॉइल है, जिसका इंसुलेशन पूरी तरह से ब्रेक हो चुका है। और उसके ऊपर में अपनी क्या होती है HV, मतलब कि हाई टेंशन कॉइल होती है, जिसमें हम 11 की सप्लाई दी जाती है। तो दोस्तों इसको भी हम बाहर खोल कर निकालेंगे तथा इसके हम रिपेयर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप जैसे क्या इसमें देख पा रहे हैं, इसमें से हमने क्या किया, LV वाइंडिंग था, HV वाइंडिंग दोनों को क्या कर चुका है, रिमूव कर चुका है। जैसे कि अभी तीन ये लिम देख पा रहे हैं, यह क्या दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी क्या कोर है, कोर जो क्या की बनी होती है दोस्तों CRGO कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील या फिर सिलिकॉन स्टील की बनी हुई होती है। तो दोस्तों इसमें सिलिकॉन हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए मिलाया जाता है, जो कि 3-4% होता है, तथा इसको दोस्तों पट्टियों के रूप में बनाया जाता है, ताकि इससे क्या होता है दोस्तों हमारा जो एडी करंट लॉस होता है वह कम किया जा सके। ठीक है दोस्तों, इसे ट्रांसफार्मर की कोर बोलते हैं। अब जानते हैं दोस्तों LT वाइंडिंग्स तथा HV। तो दोस्तों मैं आपको जो है LV होती उसके बारे में, जैसे कि आपको इसमें देख चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।